सब्सक्राइब कीजिए फास्टैग चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक न्यूज 2 में। तो आज मैं फिर बताऊंगा कुछ नए अपडेट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अपडेट है वो गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ला रहा है नया डबल टैप गेस्चर। पहले गूगल और भी दो तरह के गेस्चर ला चुका है, जो कि था फिंगरप्रिंट गेस्चर और मोशन सेंस गेस्चर, लेकिन अब ये नया होने वाला है जो है डबल टैप गेस्चर। तो बहुत ही जल्द ये धमाकेदार गेस्चर फीचर आने वाला है गूगल के पिक्सल फोन में। तो देखते हैं ये धमाकेदार अपडेट कब तक। दूसरा है हवाई P50। हवाई P50 फोन ने कुछ फीचर्स कर दिए रिवील, जिसमें आपको मिलेगा सोनी 54 मेगापिक्सल सोनी सेंसर कैमरा। और दूसरा चीज आपको मिलने वाला है इसमें 10x ऑप्टिकल जूम, जो बिल्कुल ही नया होने वाला है, और भी किसी फोन में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तीसरा अपडेट है जियो की तरफ से। जियो का जो प्रीपेड रिचार्ज था, वो प्रीपेड रिचार्ज एक साल के लिए होता था 2020 का, लेकिन अब जियो ने बढ़ा दी है अपनी कीमतें। तो अब ये होने वाला है 2121 रुपए का, मीन्स 101 रुपया बढ़ गया है जियो के प्रीपेड वन ईयर प्लान में। तो नेक्स्ट अपडेट है गूगल की तरफ से। गूगल फिर से एक नया अपडेट लेके आया है। गूगल अब वैसे एप्लीकेशंस जो लोकेशन एक्सेस करते थे बिना मतलब के, उन्हें 3 अगस्त के बाद से रिमूव कर देगा प्ले स्टोर से। एक्चुअली में जिन एप्लीकेशंस को लोकेशन एक्सेस की जरूरत है सिर्फ वही गूगल प्ले स्टोर पे रहेंगे, बाकी सब रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पहले विंडोज के लिए आता था, अब एंड्रॉयड और आईओएस में भी देखने मिलेगा। आपको करना क्या है, एंड्रॉयड ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में जाके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो अगली अपडेट है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi लॉन्च करने वाला है नया HD हेडफोन्स, जो आने वाला है 25 फरवरी को। तो ये हेडफोन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत शानदार बनाई है Xiaomi ने। नेक्स्ट अपडेट है Oppo की तरफ से। Oppo Find X2 की लॉन्च डेट रिशेड्यूल करके उसे मार्च 6 कर दिया गया। अब ये फोन आएगा मार्च 6 को, जिसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर विथ 12 GB रैम और 256 इंटरनल के साथ में आएगा ये फोन। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 4065 mAh का बैटरी बैकअप। इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले टेक न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और एंजॉय कीजिए संडे को।